हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे SBI रिटायरमेंट फंड के बारे में, जो 20 जनवरी से SBI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। और उससे पहले आप लोगों का NFO से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कॉमन सवाल मैं ले लेता हूँ कि आप लोगों का पूछना है कि NFO में इन्वेस्ट करने से क्या हमें कोई एडिशनल बेनिफिट होता है? तो उसका जवाब ना है, ऐसा कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता है आपको NFO में अप्लाई करने से। और मेरा पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा उन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने में रहता है जिनका हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। और अगर आपका म्यूचुअल फंड एडवाइज़र आपको कॉल करके बोल रहा है कि सर ये वाला NFO आने वाला है, 10 रुपये की NAV है, आप ले लीजिए, आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये टाइम है आपका म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बदलने का। तो आइए दोस्तों आप देख लेते हैं कि इस फंड की क्या डिटेल्स हैं और आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड स्कीम है, तो इसमें लगाया हुआ आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा, या अगर आप 5 साल से पहले अपने रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाएंगे तो उस टाइम तक ये पैसा आपका ब्लॉक रहेगा। और अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा की है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें NFO में पैसा लगाना है तो कम से कम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। इस NFO पीरियड का अगर हम बात करें तो ये 20 जनवरी से शुरू हो चुका है और ये 3 फरवरी तक चलेगा। अब दोस्तों इस प्लान को इन्होंने 4 अलग कैटेगरी में बांटा है और ये 4 अलग प्लान्स के हिसाब से फंड चलेगा। अगर हम प्लान्स की बात करें तो ये एग्रेसिव, एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव प्लान्स में इस फंड को इन्होंने बांटा है। ये इन्होंने इसकी एसेट एलोकेशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया है। तो आइए समझ लेते हैं कि किस प्लान में ये कितना एसेट एलोकेशन करेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एग्रेसिव प्लान की, तो एग्रेसिव प्लान में ये सबसे ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे 80 से 100% तक। वहीं डेट में ये 0 से 20% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं गोल्ड ETF और रिट में भी ये कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ये फॉरेन इक्विटी में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 35% तक का भी इन्होंने एस्टिमेट दिया है कि ये ज़रूरत पड़ने पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब उसी तरह अगर हम बात करते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान की, तो एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान में इक्विटी का प्रोपोर्शन थोड़ा कम हो गया है। इक्विटी 65 से 80% तक ये इन्वेस्ट करेंगे। वहीं डेट में ये 0 से 35% तक इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड ETF और रेट में भी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं फॉरेन इक्विटी में 15% तक ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। अब आइए देख लेते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान में क्या है एसेट एलोकेशन। अब अगर हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान को देखते हैं तो उसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन और कम हो गया है। 10 से 40% आपका इक्विटी का प्रोपोर्शन रहेगा। वहीं डेट का प्रोपोर्शन 60 to 90% रहेगा। गोल्ड ETF और रिट में भी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ी बहुत। वहीं फॉरेन सिक्योरिटीज़ में 10% तक की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अब आइए देखते हैं कि कंजर्वेटिव प्लान की क्या एसेट एलोकेशन रहेगी। अगर हम कंजर्वेटिव प्लान के एसेट एलोकेशन पे बात करें तो कंजर्वेटिव प्लान में इक्विटी का प्रोपोर्शन और कम हो गया है। 0 to 20% ये इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। वहीं डेट में ये 80 से 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड ETF और रिट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसी तरह फॉरेन सिक्योरिटी में भी 10% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कंजर्वेटिव प्लान में। तो दोस्तों इन चारों प्लान्स में अगर हम देखेंगे तो हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो एग्रेसिव प्लान्स हैं और जो कंजर्वेटिव प्लान है उसमें ये इक्विटी का प्रोपोर्शन कम कर रहे हैं और डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा रहे हैं, ताकि जो इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहते हैं वो कंजर्वेटिव प्लान को चूज़ कर सकते हैं और जो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं वो एग्रेसिव प्लान को चूज़ कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि आप लोग इन प्लान्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप कैसे चूज़ कर सकते हैं कौन से प्लान को, तो इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफ़र। अगर आप ऑटो ट्रांसफ़र में जाते हैं इसका मतलब ये होगा कि अपने आप आपका प्लान आपकी उम्र के हिसाब से चेंज होता रहेगा, एग्रेसिव से एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव। वहीं दूसरी ऑप्शन इसमें आती है माई चॉइस की। इसमें आप अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से कोई भी प्लान चुनेंगे और उसी में आप रह सकते हैं। और अगर आपको चेंज करना है तो आप खुद से उसमें चेंज कर सकते हैं, चेंज करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आइए देखते हैं ऑटो ट्रांसफ़र प्लान में किस हिसाब से ट्रांसफ़र होगा। अगर हम बात करते हैं इसमें ऑटो ट्रांसफ़र प्लान की, तो इन्होंने एज के हिसाब से इसमें डिवाइड किया हुआ है। अगर हम इसमें देखें डिटेल में तो एग्रेसिव प्लान आपका 40 साल तक की उम्र में चलेगा और जैसे ही आपकी उम्र 40 हो जाएगी तो आपका प्लान अपने आप एग्रेसिव हाइब्रिड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन 40 से 50 साल आप एग्रेसिव हाइब्रिड में रहेंगे,
उसके बाद अपने आप वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड में शिफ्ट हो जाएगा। 50 to 60 ईयर्स आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड में चलेगा, देन 60 ईयर्स के बाद आप कंजर्वेटिव में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और इसी तरह आपका जो रिस्क है आपके पोर्टफोलियो का वो कम होता चला जाएगा आपकी उम्र के हिसाब से। वहीं माई चॉइस में आपके पास खुद ऑप्शन है कि आप कौन से प्लान में रहना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए, कितनी उम्र के लिए, उसमें आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो इस फंड की एक अच्छी बात ये भी है कि आपको आपके SIP के अमाउंट के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस मीट करनी होगी, जैसे कि आपका जो SIP का टेन्योर है वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए, आपकी उम्र 18 से 52 साल तक की होनी चाहिए, और आपका जो SIP का अमाउंट है वो कम से कम 1,000 रुपये तक का होना चाहिए। ये अगर आप कंडीशंस मीट करते हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इसका मिल सकता है। अब आइए देख लेते हैं कि कितना अमाउंट का आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कवर की अमाउंट की बात करें तो पहले साल में आपके मंथली SIP का 20 गुना आपको मिलेगा, वहीं दूसरे साल में 50 गुना, वहीं तीसरे साल से 100 गुना आपको SIP अमाउंट का मिलेगा, लेकिन जो आपका मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो 50 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस स्कीम को देख के मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि ये NPS के जैसा इस स्कीम को थोड़ा बनाया गया, NPS की स्कीम्स कंडीशंस उसको यहाँ पे थोड़ा मैच कराने की इन्होंने कोशिश की है। और मैं आपको यही बोलूँगा कि सिंस इसका 5 साल का लॉक इन है तो आप एक बार ही थोड़ा वेट कीजिए, स्कीम को आने दीजिए, लेट सी कि ये किन शेयर्स में पैसा लगा रहा है, लार्ज कैप में या स्मॉल कैप में, और ये कैसा परफॉर्म करता है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पे इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरी वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।